चलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इडली बैटर। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 3 कप चावल। मैंने 1 कप से 3 कप चावल लिए हैं। ये स्पेशली इडली चावल है। ये थोड़ी मोटी और छोटी हुई आपको इजली मार्केट में मिल जाएगी। मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप उड़द दाल बिना छिलके वाला, और थोड़ी सी मेथी। हम इससे दुगना पानी डालेंगे इस पे इसे फूलने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने इसमें इसके दुगना पानी डाला है। अब हम डालेंगे दाल को फूलने के लिए। तो ये ले लेंगे दाल, इसमें भी डालेंगे हम पानी, साथ में डाल देंगे इसमें ये मेथी के दाने। अब हम इसे 8 से 10 घंटा फूलने देंगे। 8 घंटे हो चुके हैं, हमारे चावल और दाल अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसे मिक्सर में पीसेंगे। तो मैंने चावल को निकाल लिया है मिक्सर में। हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना, तो ये बहुत पतला हो जाएगा। तो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा पानी। अब हम इसे ग्राइंड, मैंने चावल पीस लिया है। मैंने इसे हल्का दरदरा ही पीसा है, इसे आप हल्का दरदरा ही पीसे हैं। अब चावल को हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हम इसमें डालेंगे दाल। इसमें भी हम डालेंगे हल्का सा पानी, हमें हल्का सा पानी डालना है। हमें इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो मैंने दाल भी पीस लिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसे एक स्मूथ पेस्ट बनाया है। अब हम डालेंगे इसको चावल के बैटर में। तो मैंने दाल को भी निकाल लिया है बर्तन में। अब इसे हम फेंटेंगे। हमें इसे 3-4 मिनट के लिए फेंटना है। तो मैंने इसे यहाँ पे फेंट लिया है। आप देख सकते हैं हमारी इडली के बैटर कितनी गाढ़ी बनी है। अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे 10 से 12 घंटे के लिए। 12 घंटे हो चुके हैं, हम चेक करते हैं हम अपने इडली को। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गई है। इतने ये कितने अच्छे से ये फूल गई है। हम इसे मिक्स करेंगे। हमारी जो ये बैटर है वो अच्छे से फर्मेंट कर चुकी है। अब देखते हैं ये कितना अच्छा है। तो हमारा बैटर अब रेडी है। इस बैटर से हमारी जो इडलियां हैं बहुत अच्छे से बनेगी। तो कुकर में अब ये पक चुके हैं। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, कुकर ठंडा होने देंगे।